ये देखो, ये रही चाबी मेरी, ये रही स्विफ्ट, और अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये 3 बार बज रही है, ना कि 1 बार बज रही है। इसका मतलब कोई दिक्कत है, और दिक्कत क्या है वो अभी दिखाते हैं। जब आप बोनट ओपन करोगे ना इसका, तो ये देखो, ये इसको सेंसर ही बोलते हैं क्या? ये स्विच है इसका। अच्छा, स्विच है क्या? तो मैं गड़बड़ बताता हूँ, मैंने गड़बड़ क्या करी थी। ये रबड़ लगी हुई है, ये बोनट थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहा था, तो मैंने इसको रबड़ थोड़ी लूज कर दी। लूज करने से क्या हुआ, ये सेंसर जो है प्रॉपर बोनट बंद होने से बंद नहीं हो रहा। तो ये जैसे भैया बता रहे हैं, इसको दबा के अगर हम देखेंगे, जैसे मान के चलो बोनट बंद हो गया, अब मैं अगर इसको लॉक करता हूँ, तो ये देखो एक आवाज आई ना, इसका मतलब ये ठीक होगी। अब इसको छोड़ दें, अगर ये प्रॉपर बंद ना होता, अब छोड़ना एक बार भैया, अब छोड़ दिया जैसे, अब अगर मान के चलो बोनट खुला है, अब मैं इसको लॉक करता हूँ, ये देखो फिर से 3, मतलब माल फंक्शनिंग का है। मारुति में मतलब इतनी बेकार गाड़ियां नहीं बनाता, ठीक ठाक बना देता है बेचारे, चीज तो सही बनाई है, बस समझने की दिक्कत। अब भैया ये जो जानकारी है ना, ये मेरी थ्रू नहीं, ये नवीन भैया ने दी है, और ये यहाँ पे इनका खुद का गैराज है सेक्टर 17 नोएडा में, जहाँ पे मैं शिकायत लेके आया था और भैया मेरे को सोल्यूशन मिला। स्क्रीन पर नंबर भी डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दिया, अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या हो तो आप भैया इनको विजिट कर सकते हो, मिल सकते हैं। सिंगल अनलॉक पे दो,